आप लोगों का पुनः स्वागत है उत्तर प्रदेश टैक्स बार के एसोसिएशन की ओर से। हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में आ चुके हैं, मतलब ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री वी एन राय जी से कि वो आए और कार्यक्रम की विधिवत घोषणा करें। राय साहब प्लीज। बंधुओं, आप जितने लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उन सबको वी एन राय का बनारस से बहुत बहुत प्रणाम अभिवादन। इस महामारी के दौर में दुनिया की हर कार्य पद्धति बदल रही है, उसी का अनुसरण करते हुए यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव और लीगल सेल के चेयरमैन ने कुछ नया करने का प्रयास किया और मुझे इस बात की खुशी है कि उनका वह प्रयास रंग लाया और काफी लोग इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया है कि अगले 2.5 सालों तक यात्राएं संभव नहीं रहेंगी, भरसक उनको आप लोग मत करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में उस दिन बहुत स्पष्ट कहा था कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एक लंबे समय तक हमारे जीवन की आवश्यकताएं हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी इस सिस्टम पर ही आधारित होना होगा। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति की दिनचर्याएं भी बदल जाती हैं, आवश्यकताएं भी उसी के अनुरूप ढलती रहती हैं। इस महामारी के दौर ने एक चीज तो यह भी सबको दर्शा दिया है कि प्रकृति जो है अपना एक संतुलन कायम रखती है और प्रयास करती है। मानवीय प्रयासों के ऊपर प्रकृति अपना प्रहार दिखाती रहती है। उसी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये आपदा प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित हो, लेकिन झेलना हम सभी को पड़ रहा है। व्यापार की प्रवृत्तियां बदलेंगी, खास तौर से टूरिज्म व्यवसाय जो है बिल्कुल कम से कम 2 सालों तक तो मृत प्राय रहेगा। अब पलायन भी रुकेगा। जब पलायन रुकेगा तो नए नए तरीके के व्यापार का सृजन होगा, छोटे स्तर पर होगा। बड़े बड़े व्यापार अब बहुत मुश्किल से निप पाएंगे। इसी के अनुसार हम कॉमर्शियल टैक्स के अधिवक्ताओं को भी अपना कार्य व्यवहार बदलना होगा। ये बदलाव बहुत ही विलक्षण हो रहा है और इसमें हम अभी तक तो जीएसटी के प्राविधानों पर मनन कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में हम लोगों को बंधुओं विचार विमर्श करना पड़ेगा, अपने कार्य व्यवहार की पद्धति को बदलने का क्या तौर तरीका हो सकता है कि समय की आवश्यकता के अनुसार हम कदम से कदम मिलाकर चल। आर्ष वचन रहा है भारतीय परंपरा का, सर्वे संतु निरामय, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, संतु निरामय, सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर इस वेबिनार से जुड़ने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आज के सम्मानित वक्ता श्री पी के मित्तल साहब का स्वागत करता हूँ तथा अब विक्रम चावला जी से अनुरोध करता हूँ कि वो लीगल सेल के चेयरमैन से कहें कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। बंधुओं, एक बार फिर बाबा विश्वनाथ की कृपा, मां अन्नपूर्णा की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सबको फिर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब।
आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ आपकी साथ मिली कार्यक्रम प्रारंभ करने की। इससे पहले कार्यक्रम हम आगे चले, दो मिनट हमें मैं लेना चाहूंगा, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमें कुछ बुजुर्ग साथियों का, और मैं मोहम्मद मोहिद्दीन जी हैं फतेहपुर से, वो हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर भी हैं, वो अपना आशीर्वाद हमें देना चाह रहे थे, तो जरा उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। श्री अरविंद गुप्ता जी अध्यक्ष यूपी टैक्स बार एसोसिएशन, श्री सौरभ सिंह जी गहलोत जनरल सेक्रेटरी यूपी टैक्स बार एसोसिएशन, श्री आनंद सिंघल जी चेयरमैन लीगल सेल व श्री विक्रम चावला जी सेक्रेटरी, और तमाम उपस्थित मौजिस मेंबर साहिबान, आदाब व नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अरविंद गुप्ता जी को मुबारकबाद देना अपना जाती फर्ज समझता हूँ कि उन्होंने बहुत दौड़ धूप और ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस कार्यक्रम को गहलोत जी, आनंद जी और विक्रम चावला जी की मदद से ये प्रोग्राम मीटिंग का ये सिलसिला लॉकडाउन के पीरियड में शुरू किया। लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग नॉकडाउन वो सुस्त अपने घरों में कैद थे। इस प्रोग्राम ज्ञान ज्योति ने सब मेम्बरान के अंदर एक नई रूह फूंक दी और लोग एक्टिव हो गए। ये बड़ा कारनामा है और सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और सभी लोग मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। मुझे 1962 की वो यूपी टैक्स बार याद आती है जो डिफंक्ट हो गई थी। मोहतरम डीआर वाजपेयी साहब एडवोकेट ने 1967 में यूपी भर का दौरा करके इसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की और पूरी तरह कामयाब रहे और इस बॉडी में एक नई आत्मा का सृजन किया। उनकी अनथक कोशिशों से ही आज यूपी टैक्स बार एसोसिएशन खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपके इस प्यार भरे शब्दों से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और हम आशा करते हैं इसी अनुरूप आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम करते रहेंगे। अब आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंघल जी से, जो हमारे डीकल सर के चेयरमैन है, कि आए और आज के मुख्य वक्ता का इंट्रोडक्शन दें। आनंद सिंघल जी प्लीज। धन्यवाद विक्रम भाई, जैसे कि मुझे आदेश दिया गया है कि आज के वक्ता श्री संदेश श्री पीके मित्तल साहब एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पर आज हमारे सामने पेनल्टीज इन जीएसटी पर अपना विचार उन सबके समक्ष रखेंगे। तो इनके परिचय का दायित्व तो मेरा है, इनका परिचय मैं आपका इस तरह से करा दूं जितना भी संज्ञान में आया है। आपने बीकॉम एलएलबी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और सबसे बड़ी जो आपकी उपलब्धि रही है उससे पहले कि 1982 से लेकर 1992 तक आप सीएस इनकॉर्पोरेट जो आप हेड लीगल अपोलो टायर में लिमिटेड में आप हेड थे, इसके सबसे बड़ी कार्य था। उसके बाद से ये 93 से लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में जो टैक्स लॉज हैं, कॉर्पोरेट लॉज हैं, इन सब के लिए बराबर कार्य से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक उद्बोधन का प्रश्न है, विषय विशेष का प्रश्न है, इनके इनडायरेक्ट और कॉर्पोरेट लॉज पर मोर देन 100 आर्टिकल्स मोर देन वाइट आई हैव इन नॉलेज कि मोर देन 120 से ऊपर तो ही हैं आपके सारे स्ट्रीम्ड डेलीज में, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप कितने आपके जर्नल्स आते हैं हम लोगों के, इसके अंदर भी इनके पब्लिश हुए हैं। और इसके अलावा जो स्पीकर के रूप में भी हमने इनको कॉर्पोरेट लॉज के और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बराबर विभिन्न मंचों पे, चाहे वो आईसीआई का हो चाहे आईसीएसआई का हो, इन्होंने बराबर अपने आप को एक वहाँ पर प्रमाणित व्यक्ति माना है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ज्ञानवर्धन हम सबका किया है। अब दो इस मिनट आपके जरूर लेना चाहूंगा पेनल्टी की शह है आज का। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि शायद ही अभी कुछ मामलों को छोड़ करके 129 को छोड़ दिया जाए तो 122 में बहुत कम पेनल्टी इन्वोक की गई है, बहुत कम है, किंतु निश्चित रूप से आने वाला भविष्य उसी तरफ हमें दर्शाता है। क्योंकि पेनल्टीज के विषय में ये एक है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ऑलवेज ऑन द डिपार्टमेंट, बराबर यही कहा जाता है कि ये ऑटो नहीं है,
मेंसरी आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, कई तरह की बातें इसमें रहती हैं, लेकिन आप आज के विचारों को जब सुनेंगे निश्चित रूप से हमारा एक रास्ता खुलेगा। मेरा अपना पूरा विश्वास है कि जितनी मेहनत से आपने जितना समय देकर अपना इसमें और जितने भी आपके जुडिशियल डिसीशंस हैं रिलेवेंट, उन्होंने इसको बड़ी धैर्य से इनकॉर्पोरेट किया है हम सब के लिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कृपया सूक्ष्मता से धैर्यता के साथ, क्योंकि विषय काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हमने इनसे गुजारिश भी की थी कि चाहे वो 73 में पेनल्टी हो, 74 हो, 29 हो, 130 हो, तो सारी 120 से लेकर 22 से लेकर के 130 तक लगभग वो सभी इनकॉर्पोरेट आपने इसमें की है। तो इन शब्दों के साथ मैं बीच में अपने आप को हटा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि चावला साहब फौरन जो है मित्तल साहब को बिल्कुल आए। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम मित्तल साहब। अब इजाजत है मुझे शुरू करने की? बिल्कुल सर, आप तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इजाजत नहीं सर, इजाजत तो सारे आदरणीय अधिवक्ता महोदय, सब थोड़ा सा मुझे हिंदी में, मैं उतना निपुण नहीं बोलने में, तो अगर कोई गलती कर दो तो मुझे माफ करिएगा। एट द आउटसेट आई मस्ट कन्वे माय सिंसियर रिगार्ड्स एंड माय ग्रेटफुलनेस टू द यूपी टैक्स बार एसोसिएशन एंड द लर्नेड ऑफिस बेयरर्स एंड द डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ the UP Tax Bar Association. मैं सर अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन जो मेरा है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी का प्रयोग करूं। अगर कहीं मुझे कुछ, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहां मुझे सेक्शन पढ़ना है या कोई जजमेंट पढ़ना है तो वो तो मुझे अंग्रेजी में ही पढ़ना होगा, पर अगर जहां उसकी अगर कोई उसकी इंटरप्रिटेशन है उसमें मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं। तो उस सूरत में थोड़ा मुझे माफ करिएगा अगर मैं कहीं थोड़ा सा जो है अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, है ना जी? प्लीज बी कंफर्टेबल सर, कैरी ऑन। सो विद दिस सर आई स्टार्ट द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ next sir this principally the penalty starts with section 122. वैसे तो section 73 and 74 भी हैं हमारे CGST Act में, वहाँ भी पेनल्टी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। मैं जो जो आगे बढ़ूंगा मैं कोशिश करूंगा कि 73-74 में भी 74 के बारे में बताता चलूं, बट क्योंकि मेनली पेनल्टी 122, 129 एंड 130 में है तो मैं शुरुआत अपनी 122 से कर रहा हूं। देखिए 122.1 says GST in case of contravention of any nature whatsoever shall be made subsections also in my section 122 talks of taxable person. Section 2 subsection 107 say taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 20 under section 22 or section 24. So the 122 covers the person, taxable person. Agar aap dekhenge 129 doesn't talk of taxable person. 120 basically talks of transporter or the person who is transporting the goods. Sir, theek chal raha hai na? Matlab main agar is tarah se bolu to थोड़ा इंग्लिश और बिल्कुल चलेगा सर। सर निवेदन ये है, पीपीटी बच्चे देख रहे हैं,
तो जरा इसको अपने प्रेजेंटेशन मोड में कन्वर्ट कर देंगे तो पीपीटी बेटर आएगी। प्रेजेंटेशन बिटिया साथ में देख करा रही है शायद। हाँ 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 प्रेजेंटेशन मोड में कहने का प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो पे हो रखा है ना, स्लाइड शो पे हो रखा है नहीं? ठीक है सर ना। हाँ चलिए ठीक है सर, आप देखो जैसा जैसा वो कंफर्टेबल होगा। Now, now 122 sir 1221 says supplies any goods or services or both without issue of any invoice. Now sir iski main niche interpretation pad raha hu sir iski 122 1 then roman 1 uski interpretation ye hai. This covers a case where supplier does not record the transaction in his books of account leading to evasion of not only GST but also income tax and other applicable taxes and levies. It mostly happens in business to consumer transaction, popularly known as B2C supplies, where recipient is not eligible to take input tax credit. Then sir, I skip because time is running out, so I will not, at many places, I will not be reading the whole interpretation. Now for this now this clause covers not only the issue of incorrect invoice but also recording also the transaction at a value less than the actual value or tax is levied at a rate lower than what is payable. Roman 3 collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which payment becomes due. This clause shall apply where a supplier collects any amount as tax from the recipient but fails to pay the same to the government. Supplier while collecting such amount from the recipient represents that amount as a tax. Further, such non-payment of tax shall be beyond a period of 3 months from the date on which such payments become due to be paid to the government to attract penalty under this clause. 4. Collect any tax in contravention of the provision of this act but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. This clause shall be applicable if following conditions are satisfied cumulatively, where supplier collect any tax in contravention of the provisions of the act. This is equivalent to earlier section 11D of the Central Excise Act. B, he fails to pay such excess collected tax to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. Now, Roman 5 fails to deduct the tax in accordance with provisions of subsection 1 of section 51 or deduct an amount which is less than the amount required to be deducted under the said subsection. This clause will get attracted in either of the following two conditions. Person liable to deduct tax under section 51 fails to deduct the tax or such person deduct an amount which is less than the amount required to be deducted under 51(1), which is reproduced below. I'm not reproducing 51 to because हमें थोड़ा समय का भाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चलना चाहूंगा. Then ये भी मैं skip करना चाहूंगा. ये भी skip करना चाहूंगा because ये 51 की बात कर रहा है, section 51 की बात कर रहा है. Then Roman 6 fails to collect tax in accordance with provision of subsection 1 of 52 or collect an amount which is less than the amount required to be collected under the said subsection or where he fails to pay to the government the amount collected as tax under subsection 3 of section 52. Now this clause will get attracted in any of the following two situations where the person liable to collect tax under 51(1) fails to collect tax or such person collects an amount which is less than the amount required to be collected under 51(1).
काम नहीं कर रहा है यहाँ, ये बता दो। हाँ, नाउ आई रीड सर, मैं आई रीड सेवन, रोमन सेवन, टेक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आइदर फुली और पार्शली इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहूंगा, यहाँ पर जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल करा है टेक्स और यूटिलाइज, देखिए ये वर्ड जो है जो पहले हमारा सैंडविच ग्रेड रूल 2004 हुआ करते थे वहां भी ये वर्ड आता था, वहां वर्ड आता था अवेल और यूटिलाइज। अब इन्होंने ये वर्ड यहाँ बजाय अवेल के यहाँ वर्ड ले आए हैं टेक्स। ना मुझे समझ में नहीं आता है कि देर आर टू लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वन इन केस ऑफ प्रतिभा प्रोसेसर्स एंड सेकेंड इज बॉम्बे डाइंग। In both the cases and thereafter, four judgments of different high court, one in the case of Belforge, two judgments of Punjab and High Court, where the two Supreme Court and four high courts, they have clearly held that if you have taken a credit and you have not utilized the same, it is merely a book entry and therefore the assessee is not liable to pay any interest. This law is very settled and the Supreme Court and the High Court have held that if somebody has taken a credit and later on he reverses it, you have to presume that he has never taken any credit at all. वर्ड अवेल और टेक्स, जो वर्ड अवेल और टेक्स उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह इंटरप्रेट करा है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बोलते हैं कि टेक्स मींस इज सिंपल ए बुक एंट्री, इट इज अ सिंपल बुक एंट्री एंड नथिंग मोर देन दिस। जस्ट बिकॉज समबडी हैज टेकन एंट्री बट हैव नॉट यूटिलाइज इट, यू कांट पनिश हिम because he has taken because a book entry has been made in the books of account of the assessee. Now, 8, fraudulently obtains refund of tax under this act. Now, fraud has been defined, means fraud is generally defined in the law as an intentional misrepresentation of material existing fact made by one person to another with the knowledge of its falsity and for the purpose, I will not read, I will go little further. This clause shall apply to persons claiming a refund of tax under 54 of CGST Act and such refund a claim fraudulently. Now, ye 54 jo ye wahan par hai, clause Roman 7 hai, ye wo cases hain जहां उनको कवर करने के लिए जहां पर फिक्टिशियस एक्सपोर्ट्स किया गया है, एक्चुअली देयर इज नो एक्चुअल एक्सपोर्ट्स बट इट्स अ फिक्टिशियस एक्सपोर्ट, एंड फिक्टिशियस एक्सपोर्ट्स में फिर आप जो है इनपुट क्रेडिट का रिफंड लेते हो, आप ड्यूटी ड्रॉबैक लेते हो, तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए ना 54 में ये सब सेक्शन डाला है। नाउ टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कंट्रावेंशन ऑफ जर्नल, दिस कवर्स a case of input tax distributor distribute the credit to manufacturing unit, usko cover karne ke liye roman clause 9 hai. 10, falsifies or substitute financial records or produces fake accounts or document or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this act.
This clause shall apply where a person who is liable to maintain accounts or document or required to furnish information does not do so in terms of GST Act and rules made thereunder. If such falsification of account or document so and so is due to bona fide mistake, provision of this clause shall not apply. If there is a bona fide, if there is a genuine reasons, this provision of Roman 10 will not apply. 11. Is liable to be registered but not registered. I will not, no interpretation required. Roman 12. Furnishes any false information with regard to registration particulars either at the time of applying for registration or subsequently. No interpretation required. The language is very clear. Roman 13. Obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this act. Then Roman 14. Transport any taxable goods without the cover of document as may be specified in this behalf. This clause, this Roman 14, somewhat touches section 129 and 130 also. At a little later stage, I will explain what is the difference between 129, 129 and 130. This clause cover any person who transport any taxable good without the cover of document as specified in this behalf. Such transportation may be made by any mode of transport or by using multiple mode. Now, main thoda sa yahan batana chahunga ki generally department kya karta hai, jahan bhi document hai, aapka for example e-way bill hai ya invoice hai, wahan par thoda sa mismatch hai या कोई क्लरिकल मिस्टेक्स है, वो उसको केस बनाने लगते हैं 129 का। अभी मैं आपको दो तीन जजमेंट दिखाऊंगा जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के हैं, 2019 और 2020 के हैं। हाई कोर्ट्स ने कहा है कि जहां पर डॉक्यूमेंट में कोई एक पर्टिकुलर कॉलम फिलअप नहीं हुआ है, पार्ट ए फिलअप नहीं हुआ है, कोई क्लरिकल मिस्टेक्स है, दैट इज नॉट द केस ऑफ 129। सो देयरफॉर डोंट मेक अ केस ऑफ 129 एट ऑल। It is a procedural mistake, and there are number of judgment where the high courts have quashed the detention of the goods and ordered for release of goods by payment of token penalty. Roman 15, suppress his turnover leading to evasion of tax under this act. Now this is a sort of a जो हम पहले बोला करते थे clandestine removal of goods. Now suppression of turnover which results in evasion of tax is a situation covered under the scope of this clause. Suppression of turnover can be by a taxable person only. Hence this clause is applicable to a taxable person. Roman 16 fails to keep, maintain, retain books of account and other documents in accordance with provisions of the rules. इसकी interpretation जरूरत नहीं है, बड़ा clear है. If he is unable to maintain and retain books of account record and the document, clause 16 will come into play. 17, fails to furnish information or document. This again is not required, is very clear. 17, deals with furnishing of any false information or return with the intention to await payment of tax due under this act and discuss about. However, this clause deals with a different subject and cover the following situation. Any person liable to furnish information and document fails to furnish information called for by an officer in accordance with provision of this act or rules made thereunder. Such person furnishes false information or document during any proceeding under the act. Then Roman 18 supplies, transport or covers any goods which he has reason to believe are liable to confiscation under that. Now 18 also somewhat overlaps with 129 because in 18 the word is transport. 129 basically talks of transport only. So therefore there is some sort of overlapping between 122 and 129. This clause is applicable to any person who supplies, transport, or stores any goods
which he has reason to believe are liable to confiscation or this thing. Now here the word is he has a reason to believe. Now if you see section 130, in section 130 there is no word of reason to believe, meaning thereby, and similarly in section 129 also. Now in 122 the reason is appeared, the word appearing are reason to believe, meaning thereby it is not a very strong case of clandestine removal of goods, but apparently or prima facie there is some doubt, but 129 can be invoked only when there is absolutely no doubt. Clandestine removal, there is absolutely no doubt the goods are being removed without payment of tax and duty. So this is the difference in the language of 122, 129, 130. In 122, this word is reason to believe. The word reason to believe is not appearing in section 129 and section 130. Roman 19. Issue an invoice or document by using the registration number of another registered person. I'll not read because it's very clear. Then 20, tampers with or destroy any material evidence or document. This is very important. Tampers with, destroy any material evidence or document. The taxable person shall be liable to pay penalty. Now, what is the penalty which is being levied in the eventuality if the case falls under any of the eventualities of section 122? The penalty is prescribed like this. The taxable person shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or an amount equal to the tax evaded or tax not deducted under 51, short deducted or deducted but not paid to the government, or tax not collected under 52, short collected, collected but not paid to the government, input tax credit availed. Now the word, again the word availed is appearing. Pehle aapne dekha word wahan taken word istemal hua hai, yahan inhone availed word istemal kar liya hai. Phir word kehte hain credit availed. Ab sarkar se inse puche koi, अगर किसी ने बुक एंट्री सिर्फ ली है और उसको यूटिलाइज नहीं करा है तो व्हाट रॉन्ग द एसएससी हैज डन इस व्हाई आई एम सेइंग सो इन द लाइट ऑफ टू जजमेंट्स प्रतिभा प्रोसेसर्स बॉम्बे डाइन फोर देन अच्छा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता दूं पहले जजमेंट आया प्रतिभा प्रोसेसर्स का फिर जजमेंट आया बॉम्बे डाइन का फिर 2014-15 में जजमेंट आया इंडस्विफ्ट का सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट पहली बार बोलता है कि अगर आपने आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने जो क्रेडिट है सैंडविड क्रेडिट है अगर सिंपल अवेल भी कर लिया है यूटिलाइज करा तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आपने. अगर आपने अवेल भी कर लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो सुप्रीम कोर्ट पहली बार 2015 में इंडस्विफ्ट के केस में बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडस्विफ्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो दो पुराने जजमेंट्स हैं वो कौन से पुराने जजमेंट्स हैं? एक है आपका प्रतिभा प्रोसेसर्स, दूसरा है बॉम्बे डाइन. दीज टू जजमेंट्स वर नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इन द केस ऑफ इंडस्विफ्ट. So in my respectful submission, the judgment of Supreme Court in the case of Indusrift is a per incurium. Meaning thereby, इस केस में Supreme Court ने अपने दो पुराने judgments हैं, उनको विचार ही नहीं करा है, उनको देखा ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से बहुत आदर पूर्वक मैं बोल रहा हूं, वो judgment Supreme Court का ठीक नहीं है, वो इसलिए भी. उसके बाद इमीडिएटली एक जजमेंट आया कर्नाटका हाईकोर्ट डिविजन बेंच का इन द केस ऑफ बिल फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड. बिल फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड ने जो कर्नाटका हाईकोर्ट डीवी था उसने रिलाई करा है
प्रतिभा प्रोसेसर्स को और बॉम्बे डाइंग को, और उन दो जजमेंट को रिलाई करके बोलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्विफ्ट में इन दो जजमेंट को पढ़ा ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करा है, तो मैं इनको मैं रिलाई करता हूं इसको आपका बॉम्बे डाइंग को। और डिस्टिंक्शन करके कर्नाटका हाईकोर्ट ने बिल फोर्ज के केस में उन्होंने कहा कि साहब क्योंकि एसएससी ने सिर्फ सैंडबैग क्रेडिट लिया ही था, यूटिलाइज नहीं करा था, और लेना इज मियरली बुक एंट्री, इट इज अ मियरली बुक एंट्री एंड नथिंग मोर देन दिस, व्हेन इट इज अ बुक एंट्री देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद दो जजमेंट आए आपके पंजाब हाईकोर्ट के, उन्होंने फॉलो करा बिल फोर्ज को। उसके बाद एक जजमेंट आया आंध्र हाईकोर्ट का, उन्होंने फॉलो करा कर्नाटका हाईकोर्ट को। फिर एक कर्नाटक हाईकोर्ट का एक केस आया, उन्होंने भी कर्नाटक हाईकोर्ट को फॉलो करा, और इन सब जजमेंट के खिलाफ जो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट की एसएलपी डिसमिस हो गई। सो द पोजीशन एज ऑन टुडे इज इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन द एसएससी विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ओनली व्हेन ही हैज एक्चुअली यूटिलाइज्ड the sandwich credit or ITC, this is in my most respectful submission. आप चाहेंगे तो मैं आपको इन सब जजमेंट की साइटेशन भी दे दूंगा। Now, section 125, general penalty, where no penalty is prescribed. Any person who contravene any of the provision of this act or rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this act shall be liable to a penalty which may extend to 25. Is a residuary clause clearly says that if no penalty prescribed as well, 25,000 rupees penalty ho jayegi. But main aapko bata dun, 122 itna exhaustive banaya hai in logon ne, hardly koi bhi aise surat aur halat us section jo chuti nahi hai ki wo section 122 mein cover na hui ho. To 125 aur 126 ka koi ज्यादा मतलब रह नहीं गया है। 126 is sort of a section which gives some relief to the SSC, and this section 126 was not there earlier, neither in the service tax law nor in the central excise act. 126(1) says no officer under this act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulation, procedural requirement, and in particular any omission or mistake in document which is clearly rectifiable and without fraudulent intent or gross negligence. Then explanation. A breach shall be considered a minor breach if amount of tax involved is less than 5,000. An omission or mistake in document shall be considered to be easily rectifiable if the same is error apparent on the. देखिए जब अगर आपने देखा होगा ना, जब हम कई बार उसमें जाते हैं, उसमें rectification of mistakes में जाते हैं, judgment deliver हुआ, we find there is some mistake in the order, maybe in terms of the amount is wrongly written or some rate is wrongly written, some facts are wrongly written. Then we file an application for rectification of mistake. There also the word used are error apparent on the face of the record. Here also the word used are error apparent on the face of the record. Then it will amount to a omission or mistake in document. It could be like this. For example, in the invoice, the amount is written, say, 1,51,000. But in the e-way bill, it is appearing little less than or some different amount. So it is an error apparent on the face of the award. On the record. So this 126 is to cover those situations where the error is patently visible, does not require much adjudication. Roman 2, penalty imposed. This act shall depend on the facts and circumstances of each case, and we shall be commensurate with the degree and severity of the. This is a very, again, I'll say,
ये जो क्लॉज है ये एसएससी के फेवर में है और काफी कुछ ये रिलीफ देती है एसएससी के लिए। बट आपको पता है जो एडजुटिंग अथॉरिटी होती है या फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है उनका माइंडसेट क्या होता है, दैट यू नो वेरी वेल, आई नीड नॉट टू टेल यू। थ्री, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन विदाउट गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। अब देखिए यहां पर भी इन्होंने हियरिंग तक चुप करके छोड़ दिया इन्होंने। अब सवाल उठता है कि क्या भाई एससीएन की जरूरत है या नहीं है, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, बट इन माई रिस्पेक्टफुल सबमिशन एससीएन इज अ मस्ट बिकॉज देर इज अ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल आंध्र हाईकोर्ट इन द केस ऑफ एलसी इंफ्रा। There the is a latest judgment of I think 2019 or early 2020 in the LC Infra case. The division bench says when the department wishes to impose a penalty, then the show cause notice is a must and a hearing is also must. Roman 4, the officer now here. Sorry for मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ यहाँ पर। जो सब सेक्शन 3 है अगर आप सेक्शन 75 देखेंगे, सेक्शन 75(4), मैं सेक्शन 75 थोड़ा आपके लिए पढ़ देता हूं। इस सेक्शन 75 हम सब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है और पूरा सेक्शन 75 हम बड़े ध्यान से रादर मैं ऐसा कहूंगा, अगर मैं माफ करिएगा अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं कि सेक्शन 75 हम सब प्रोफेशनल रट लें तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेक्शन 75(4) मैं जरा आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 75, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड वेयर ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इन राइटिंग फ्रॉम द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स और पेनल्टी। सो सेक्शन 75, नाउ व्हाट इज सेक्शन 75? सेक्शन 75 हेडिंग इज जनरल प्रोविजंस relating to determination of tax. So certain basic principles have to be followed by the adjudicating authority when they have to adjudicate the tax, interest and penalty. So the principle laid down in section 75 are required to be followed. Now ab yahan unhone word kya istemal kara hai, where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty. अब मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं रिसीव हुई है तो क्या उसको हियरिंग नहीं देंगे? The answer is no. They have to give a hearing. But हम लोग जो मैं अपने अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब भी हम लोग रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस फाइल करते हैं या हम फर्स्ट अपील भी फाइल करते थे कमिश्नर अपील के सामने तो एक लास्ट में पैरा जरूर डाल देते थे, वी रिजर्व अवर राइट टू एड अल्टर मॉडिफाई सब्स्टिट्यूट ऑल और एनी ऑफ द सबमिशन मेड हियर इन अबाउ और डॉक्यूमेंट पेपर एविडेंस एंड फर्दर क्लेम लीव ऑफ दिस ऑनरेबल अथॉरिटी फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग सो दैट इट कवर्स बोथ। आई हैव अ राइट टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स or evidence in future, I am reserving my right. And secondly, I am also craving leave of the honorable authority to make my submission at the time of personal hearing. Now, अगर आप section 75(4) एक बार दोबारा से उस तरफ हम चलें, तो उसमें 75(4) का जो दूसरा part है, second part है, वो क्या बोलता है? Or word इस्तेमाल कर रहा है ना? Or where any adverse decision is contemplated against such person, meaning thereby not only penalty, where any order which is prejudicial to the interest or which is injurious to the interest or which is in any way harm the SSE, if any of the type of this order is sought to be passed by the adjudicating authority, then the 75(4) says, the second part says, in that event a hearing has got to be given. Roman 4, the officer under this act shall
while imposing a penalty in an order for a breach of any of law, regulation, procedural requirement, specify the nature of breach and the applicable regulation or procedure under which amount is also. Now, अगर आप देखें तो ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है डिपार्टमेंट ने ये डाल के. अदरवाइज पहले भी देर वर नंबर ऑफ बोर्ड सर्कुलर वेयर दे से फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज सम माइनर डिफेक्ट इन द इनवॉइसेस बिकॉज इन द अर्लियर रेजिम इनवॉइस वाज ड्यूटी इनवॉइस यूज्ड टू बी कॉल्ड ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट सो इफ देर इज सम माइनर डिफेक्ट इन द इनवॉइस सो मच सो ऑन मेनी ओकेजन इफ देर वर नो डिस्प्यूट अबाउट द ड्यूटी पेमेंट कैरेक्टर ऑफ इनवॉइस इवन ऑन फोटोकॉपी ऑफ द इनवॉइस the sandwich credit was allowed provided the SSC was able to satisfy the department that duty was paid on that invoice. So, but now in the GST regime, they have specifically put a subsection 4, which clearly says that while imposing penalty, the breach of this nature to be kept in mind. Now, different circumstances where penalty also imposable. 123, failure to furnish information of the creditor. 124, fine or fine for failure to furnish statistics. 127, power to impose penalty in certain cases. Now, 127 enables proper officer to levy penalty in a situation which is not covered in a proceedings under section 62, 63, 64, 73, 74, 129 and 130. So, agar main ek simple words bolun, agar aapka case 62, 63, 64, 73, 74, 129 mein nahi fall karta hai, to assessing jo proper officer hai, या एडजुटिंग अथॉरिटी है वो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 127 कैन लेवी पेनल्टी. एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज 62, व्हाट इज 64. नाउ 62 सेज असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न. 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. 64 समरी असेसमेंट इन सर्टेन केसेस. नाउ दीज आर द केसेस इन विच the adjudicating authority cannot exercise power under 127. Show cause noted under 73, show cause noted under section 74, then detention, seizure, release of goods and conveyance, confiscation of so-and-so. So, ek bar dobara se piche ja raha hu main. So, in sections ko chhodkar, aur kisi sections mein, the Section 127 empowers the adjudicating authority to levy penalty. If the case falls under these sections, then under these sections, there is a specific provision for levy of penalty. 74, 73, we all know there is a specific provision. 74 also there is specific provision. 129 there is a provision. 130 there is also separate provision. Now, various provisions adjudication calling for personal hearing. देखिए हमें अभी क्या हो रहा है, there is a some एक बड़ा एक भय का वातावरण फैला हुआ है. Department penalty लेना है, they write a letter, okay, pay this penalty. Interest लेना, they say okay, pay this interest, and they don't adjudicate. My respectful submission, अभी एक subsequent judgment आएगा, where the assessee admits in his GSTR 3B that this is the amount of tax which is payable by him, only in that case the SCN and a personal hearing is not required because assessee is himself admitting that tax is payable. Otherwise, in all situations, wherever any adjudication is required, the SCN is a must, a public hearing is a must, because unless there is adjudication of tax,
penalty cannot be imposed. Penalty is only imposable when the adjudicating authority comes to a conclusion that there is a fraudulent intention on the part of SSC not to pay tax. So if there is a fraudulent intention, then the case will fall under 8 of 122, 129 and 130. If there is no fraudulent intention, the case will not fall. It is merely penalty. Case will fall in section 73. Now, 126.3 says no penalty without personal hearing. 126 also says. Now, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने अपने ध्यान में रखनी है कि कहीं भी पूरे जो हमारा एक्ट है इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नो शो कॉज इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन एसएससी. देयर इज नो नेगेटिव कोवेनेंट. सो देयरफॉर एंड आपको तो खैर पता ही, देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर सुप्रीम कोर्ट सेज अनलेस द इश्यूएंस ऑफ एससीएन इज स्पेसिफिकली बार्ड, the all adjudicating authority, they have to follow the principle of natural justice. When I say principle of natural justice, it obviously means a issuance of show cause notice and also its adjudication and the personal hearing is also must. Ab dekhiye 75.4 मैंने आपके लिए पहले पढ़ी दिया है, मैं दोबारा आप नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वेयर द अपेलेट अथॉरिटी. नाउ मैं अब कुछ जो सेक्शन 75 है विच ऑल्सो डील्स विद पेनल्टी, वो मैं आपकी 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 नोटिस में ला रहा हूं. 75.8 वेयर अपेलेट अथॉरिटी और अपेलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट मॉडिफाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमिन्ड बाय द पीओ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली टेकिंग टू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ टैक्स. देखिए कई बार आपने देखा है ट्रिब्यूनल, चाहे वो सेल टैक्स ट्रिब्यूनल हो चाहे वो सेस्टेट हो, They set aside the order, remand back, they reduce the amount of tax and say you accordingly decide the penalty, quantum of penalty also. So 75.8 also deals with, specifically deal with a situation where there is a remand order and the quantum of duty has to be re-adjudicated and consequently penalty is also required to be re-adjudicated. Now 75.10. If proceedings deemed to be concluded, if no order pass or provided under section 73.10, 74.10. This is a very, very, ये 75.10 बहुत ही बढ़िया sections है कि जहां उन्होंने बोला है कि साहब अगर आप order 3 साल और 5 साल में नहीं pass करते हो, the adjudication shall be deemed to be closed एंड कंक्लूडेड. अब देखिए ये बड़ा कैच है ही. अगर आप 73 में जाएंगे तो पीओ को पावर है शो कॉज जारी करने की, कब? जब 3 महीने रह गए हैं 3 साल पूरे होने में. अब मुझे ये बताइए, जब 3 महीने कुल रह गए हैं 3 साल पूरे होने में, ये आपको शो कॉज नोटिस देते हैं. शो कॉज नोटिस में कभी ये जो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं. इसी तरीके से डॉक्यूमेंट नॉट रिलाइड अपॉन कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं. आप इनसे डॉक्यूमेंट मांगिए, ये 3-4 महीने तो उसमें ही निकाल देते हैं. फिर उसके बाद रिलाई करते हैं, कई बार इंजीनियर की रिपोर्ट पर रिलाई कर लेते हैं कभी लोग, कभी किसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर रिलाई कर लेते हैं ये, कभी जो इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के स्टेटमेंट पर रिलाई करते हैं. आप इनसे कहते हैं भैया आप स्टेटमेंट तो इनके रिलाई कर रहे हो, कृपया मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन दें, आप
मैं क्योंकि इनका जो 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 भी जिन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उनका स्टेटमेंट तो है वो तो इट विल बी रेड एज एविडेंस अगेंस्ट मी. सो अनलेस आई हैव अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन दीज पर्संस देन द स्टेटमेंट ऑफ दीज पर्सन विल बी रेड अगेंस्ट मी. सो अब ये सारी जो एक्सरसाइज है ये कभी 3 महीने में नहीं हो सकती है. मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जहां आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं रिलाइड अपॉन नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, जहां आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है विटनेसेस का, उन ना कभी 3 महीने में ना कभी 6 महीने में, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये 2 और 3 साल कभी लगते थे, जिसको इन्होंने घटा के 3 महीने और 6 महीने 74 में अब 6 महीने की बात बोलते हैं. मगर ये कभी कहीं नहीं होने वाला है. ये रिजल्ट क्या होगा ये आपको फटाफट एससीएन देंगे, 15 दिन में कहेंगे रिप्लाई फाइल करिए, आप डॉक्यूमेंट देंगे नहीं आपको रिलाइड अपॉन नॉन रिलाइड अपॉन, आप क्रॉस मांगे क्रॉस आपको देंगे नहीं, 3 महीने में एडजुडिकेशन कर देंगे, डिमांड कंफर्म कर देंगे. अच्छा अब देखिए वेरी क्रूअल जोक, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड क्रूअल जोक, अगर आप सेक्शन 73 दोबारा एक बार जाएं, सेक्शन 75, अब 75(3) में देखिए क्या क्या सेक्शन 75(3) सेक्शन 75(3) क्या बोलता है, वेयर एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी और एपिलेट ट्रिब्यूनल और ए कोर्ट, सच ऑर्डर शैल बी इश्यूड विद इन 2 ईयर्स एडजुडिकेशन में ये 3 महीने का टाइम देंगे, जहां आपका एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वहां 6 महीने का टाइम देंगे आपको ये, जहां पर मैटर रिमांड होके आया है सिर्फ उन्होंने दोबारा से हियरिंग करनी है, क्या कोई एविडेंस लेनी है, उसके लिए डिपार्टमेंट 2 साल का पीरियड अपने पास रखेगा. बताइए क्या जस्टिस दे रहे हैं एसएससी को, ये मैं आपकी नोटिस में ला रहा हूं, 2 साल का टाइम ले रहे हैं 75(3) में, 73 में 3 महीने का, 74 में 6 महीने का. सर नाउ देयर आर सर्टेन बिकॉज देयर आर सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट in the case of imposition of penalty, I'll bring to your kind notice some of these judgments and I'll respectfully submit. These judgments are quoted even now. Of course, Hindustan Steel is a very old judgment of 1969. Hindustan Steel quoted even today in the cases of even the company law, FEMA, your all other revenue law, and particularly SEBI law, because in SEBI very heavy penalties levied by the SEBI. So to avoid imposition of very heavy penalty, even today before the all authorities of under the SEBI Act, this judgment of Hindustan Steel is often quoted. Now the second judgment is of CST versus Sanjeev Fabrics, Manu SC 0698/2010. Now Mansuria is an essential ingredient for imposition of penalty. This is what has been held in these 2 cases. Now, there is again third very landmark judgment, which is comparatively of latest one, that is 2008. The Supreme Court in Bharjatiya Steel has held, where AA has a discretionary jurisdiction to levy penalty, by necessary implication, the authority may not levy penalty. If it has a jurisdiction not to levy penalty, existence of a mens rea is a relevant factor. Now, for example, I'm just giving a case where, for example, एक कंपनी का डायरेक्टर है, उसने अपना premises कंपनी को किराए पर दे दिया. लॉ ये बोलता है कि
जो उसका जीएसटी है वो डायरेक्टर को पे करना है। पर मैंने भी दो केस हैंडल करे हैं जहां डिपार्टमेंट ये बोलता है कि नहीं साहब इसका जीएसटी तो कंपनी ने पे करना चाहिए था रिवर्स चार्ज में। वो इसलिए वो कहते हैं देखिए साहब ये डायरेक्टर है और डायरेक्टर कोई भी सर्विसेज देगा तो उस सूरत में जो टैक्स पेबल होगा वो रिवर्स चार्ज में होगा और वो कंपनी पे करेगी। तो मैंने ये आर्गू करा ट्रिब्यूनल में आके, मैंने कहा देखिए साहब रिवर्स चार्ज में टैक्स कंपनी जब ही पे करेगी जबकि डायरेक्टर इज रेंडरिंग सर्विसेज इन द कैपेसिटी ऑफ ए डायरेक्टर व्हेन द सिटिंग फी इज पेड टू ए डायरेक्टर देन द जीएसटी विल बी पेड बाय द कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज बट व्हेन द रेंट इज रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी फॉर द प्रेमिसेस व्हिच ही लेट आउट टू द कंपनी इन दैट इवेंट द डायरेक्टर शैल हैव टू पे जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। What I am trying to submit for your kind consideration is that in both the situation, duty and tax has come to the government. So when a duty and tax has come to the government, in my respectful submission, there is no question of levy or penalty. And this judgment could be cited in support of your case. Now, one more judgment of the cement marketing company, STO. This is of the Siltex arena. Even if minimum penalty is a very landmark judgment, even if minimum penalty is prescribed, authority is justified and may refuse to impose penalty if breach is technical or venial or venial. Next. If the party did not pay tax, due to bona fide belief, then the deliberate defiance of law or conduct or defiance of law or conduct is dishonest cannot be alleged and penalty cannot be imposed. मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा आपको। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। Where there's a bona fide belief, because of bona fide belief, if the duty and tax has not been paid, now for example. The perks, certain perks are given by the company to the employees. Now, there is a debate over it. Some says GST has to be paid. Some say GST has not to be paid. In my, if I am not correct, there is an advance ruling authority. One advance ruling authority where it has been held that if the perks are part and parcel of the terms and conditions of employment, then GST has not to be paid. But if it is not part and parcel of the terms and condition, then the GST has to pay. So in a situation like this, because of bona fide belief, tax has not been paid, then in that event, by virtue of this judgment of Supreme Court, the penalty, it could be argued that it is not a case of levy of penalty. For example, I was reading, I think 2-3 days, I was reading a case where the employer, that is a company was providing canteen facility to the employees. The argument of the employer is that I am only recovering the cost of food and not recovering any profit or benefit out of it. Then the advanced ruling authority says, look, if you are recovering any amount, then the GST is liable to be paid. So these are the example which I have just now given. These are the cases which you can argue that the tax has not been paid due to bona fide belief. One more judgment.
और मैं आपको अभी एक और जजमेंट्स है जो अभी आया, वो मैं आपको थोड़ा सा जब इन माय सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन आई विल साइट दैट जजमेंट आल्सो, लेटेस्ट जजमेंट ऑफ राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटी. इफ एसएससी हैज अ बोनाफाइड बिलीफ एंड क्रेडिट हैज बीन टेकन आफ्टर ड्यू इंटीमेशन, नो पेनल्टी इज इम्पोज्ड. नाउ ऑन एन इश्यू वेदर प्रोसेस अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, there are divergent views of two benches of tribunal, then in that event no penalty is imposable. This is a case of pre-GST regime, and the Honorable Division Bench of Allahabad High Court has held that it is not a case of imposition of penalty. मैं आपको एक आपको example दे रहा हूँ post GST regime का. देखिए आप सबको पता ही है, all very learned and distinguished members of the bar, and perhaps law knows law more than me. जो director हैं company के, जो director हैं whole time, मैं whole time director की बात कर रहा हूं. If a person is either a managing director or a director sales, director finance, director marketing, and working on whole time basis for the company, then the law is they are covered by para 1 of schedule 6, and therefore no GST is payable on the salary paid to such whole time employee directors. Abhi kya hua, there are couple of judgments. There is a one judgment of Karnataka Advance Ruling Authority. उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर कोई डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉय है तो कंपनी का उसको, जब कंपनी कोई सैलरी पे करती है तो कोई जीएसटी पे नहीं करना है. इस पे बोर्ड का सर्कुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्कुलर है दैट नो जीएसटी इज पेबल. एक जो सर्विस टैक्स रिजीम में एक गाइडलाइंस इश्यू करी थी 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वहां भी ये बोला गया है कि जो आप एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं या डायरेक्टर्स को सैलरी देते हैं उस पर सर्विस टैक्स और जीएसटी नहीं लगेगा. अभी एक जजमेंट आया है 20 दिन पहले राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का. अब किन सज्जन ने उनके सामने आर्गू करा मैं कह नहीं सकता, ना ही मैं कमेंट करना चाहूंगा. सब कुछ सत्यानाश कर दिया उन्होंने. एडवांस रूलिंग अथॉरिटी राजस्थान ये बोलती है कि नहीं साहब, जो सैलरी आप होल टाइम डायरेक्टर्स को दे रहे हो उस पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. अरे भाई, पैरा वन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं. पैरा वन जो है आपका शेड्यूल 3 का, पैरा वन शेड्यूल 3 कहता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट. शेड्यूल 3 आप सबको पता है, दिस एनी सर्विस और सप्लाई इट इज नॉट ए सप्लाई एट ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 7, सो नो जीएसटी इज पेबल. एंड इस पे कोई डाउट नहीं है, अगर डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉई है, इस पे कोई डाउट नहीं है. फिर भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी राजस्थान ने ये फिर भी होल्ड कर दिया कि नहीं साहब, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. नाउ टू कवर दोस केसेस, दीज आर द जजमेंट विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सेकंड जजमेंट है गुलजार केमिकल्स वर्सेज सीसीई, थर्ड है सीसी वर्सेज पायलट प्रोडक्ट, और where an issue has been referred to a larger bench, then no penalty is payable. This is what Supreme Court says in the case of Continental Foundation versus CCE 2007, volume 216, Excise Law Times 177 SC. Interpretational issue, no penalty is imposable. This is what, again, I'm citing most of the judgment I'm citing is that of a
Supreme Court couple is of tribunal also. If SSC has an arguable case, no penalty is imposable. Siddharth Tube versus CC 2006, 193 ELT 6 Supreme Court. A mistake detected and corrected before department pointing out, no penalty is imposable. I can say from my experience at the bar, because I have been practicing before Custom Excise Services Appellate Tribunal, there have been number of judgments of the sestet of different benches where the sestet has held that if an SSC before issuance of a show cause notice deposit tax and interest, then no penalty is imposable. So similarly, on a similar lines, I'll submit that if there was a bona fide mistake, department never pointed out to me. Either department ka kaise point karega, ya to audit team point out karegi. अगर मेरी कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट है, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि देखिए साहब, ये जो आपने क्रेडिट लिया हुआ है, गलत क्रेडिट लिया हुआ है, मैं क्रेडिट रिवर्स कर देता हूं, इंटरेस्ट पेमेंट कर देता हूं, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूं, नो क्वेश्चन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, बिकॉज इट इज इंटरप्रिटेशनल इश्यूज. देन इज वन मोर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माया देवी विज राजकुमार बत्रा, मनु एससी 0731/2010, वेयर अथॉरिटी हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिकॉर्डिंग रीजंस प्रमोट फेयरनेस एंड इक्विटी. दीज आर इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज बेसिकली लेड डाउन द सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन of the duty and tax, and also for the purpose of levying penalty. And these words have also been used in section 75 also. 75 also says, at the time of adjudication, the various consideration to be kept in mind, the conduct of the SSC, bona fide of the SSC, the reasonableness of the SSC for the purpose of imposing a penalty. Then there is a judgment of the Sestet and Sumit Industries. I think time is running out. I little skip and go further because I have to cover section 129 and section 130. Now, this is again Supreme Court, landmark judgment of Supreme Court. Penalty will also not be imposed merely because it is a very landmark judgment. So therefore, I would like to read for your benefit. Penalty will not also be imposed merely it is lawful to do so. In spite of a minimum penalty prescribed, authority may refuse to impose a penalty if breach complained of a technical or a venial breach or flew from bona fide though mistaken belief. Mandatory penalty equal to amount of tax evaded. 129 mein जो पेनल्टी है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स है, बट 129 इज अ केस वेयर देयर इज नो डिस्प्यूट दैट दैट देयर इज ए क्लैंडेस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स एंड द गुड्स आर बीइंग कैरीड इन ए व्हीकल और ऑन ए ट्रक और बीइंग ट्रांसपोर्टेड. So therefore, 100% penalty is envisaged in 129. So where the words are mandatory in nature, where there is a mandatory penalty, in that event, the adjudicating authority has no discretion and they have to levy an equal penalty. If you kindly recall section 11AC of the Central Excise Act, Section 11 is equal to Section 74 of the GST Act. Section 11A talks of extended period of 5 years. Similarly, 74 also talks of extended period of 5 years. So, if it is a case of extended period of limitation,
then the penalty is equal to the amount of duty and tax. Similarly, in 74 also, if the case falls in section 74, then the penalty is equal to the amount of tax. And these are the two judgments. Bombay High Court in the case of Hindustan Petroleum versus CC versus Hindustan Petroleum, Manu MH Maharashtra, that is Bombay High Court 29592016, has observed that in case of non-payment, short payment of duty, penalty gets automatically attracted and authority has no discretion. This is a case of the jo section 74 mein jo word istemal hue hain, fraud, misstatement with the intent to evade payment of duty. If department is able to establish their case that there is a fraudulent intention on the part of SSC to evade payment of duty, then the penalty shall be equal to the amount of duty. Now, in this judgment of Hindustan Petroleum Corporation, the Bombay High Court has relied upon the again a landmark judgment of the Supreme Court in the case of Dharmendra Textile Processor Manu SC 448/2008. Now there is a one more judgment of Raisana. This is again a landmark judgment on the penalty equal to the amount of duty and tax. SC in Rajasthan Spinning Wheels also has held that penalty under section 11AC within bracket equal to section 74 of CGS is a punishment for an act of deliberate deception by the SSC. Deliberate deception by the SSC with the intent to evade duty by adopting any of the means mentioned in the statutory provisions. If the condition enumerated in section 11C, 74 CGS are fulfilled, then there is no discretion to reduce the amount of penalty, but it shall be equal to the duty liability. Now, penalty must be commensurate with the gravity of the offense. Punishment must be the punishment must fit the crime. Otherwise, it will be hit by the principle of unreasonableness. No penalty ought to be, because kindly remember section 126. 126 also talks of general principle of adjudication and especially the levy of penalty. So in one of the subsection of 126, these words are also used. No penalty ought to be imposed for a technical or venial breach of a statutory obligation. In support of the above contention, Maharashtra Land Development versus State of Maharashtra, that is a Supreme Court judgment, Manu SC 0940/2010, and All India Railway Recruitment Board versus K. Shyam Kumar, Manu SC 0342/2010. Nominal penalty. Now, as far as nominal penalty is concerned, now even the CBIC issued a board circular with respect to the GST era. And the reference of circular is 64/38/2018 GST dated 14/9/2018 covering GST era, clarifying that in case of technical errors in the documents accompanying the goods, provision of section 129 of GST Act may not be resorted to, but instead goods may be released on payment of nominal penalty under section 125 of the CGST Act. Now you will kindly appreciate that agar aapne jitne cases padhe honge 129 ke jahan thodi si bhi galti hai e-way bill mein, thoda sa bhi galti hai invoices mein, immediately 129 invoke kara, goods detain kar di, equal duty laga di, equal penalty laga di. This board circular will help all SSE to say, look gentlemen, if there is a technical error, venial breach, then you can't invoke 129, because board circular clearly says go to 125. 125 talks of 25,000 penalty. Now there is a couple of judgments of Allahabad, Honorable Allahabad High Court also
होने वाला बात है कि रजावत स्टील सो एंड सो इन जीएसटी टू अथॉरिटीज बिलो फेल टू अप्रिशिएट, जैसे जीएसटी ईरा जजमेंट, टू अथॉरिटीज बिलो फेल टू अप्रिशिएट दैट इट वॉज अ बोनाफाइड मिस्टेक इन पुटिंग द व्हीकल नंबर विद इन ब्रैकेट देर इज अ मिस्टेक इन पुटिंग लास्ट डिजिट ऑफ व्हीकल नंबर एंड पेनल्टी वॉज होली अनवारंटेड पेनल्टी हैज बीन सेट असाइड बाय द ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट इन दिस केस. Then the division bench of the Madras High Court in the case of A1 formulation, this again is of 2019 of Madras High Court, 100% penalty under Rule 26 Central Excise Rule is highly excessive because appellant had paid the duty with interest before issue of SCM. Hence, 100% penalty is not imposable at all. I have just now submitted many cases, it so happens. SSC realizes mistake, deposit tax with interest. So in all such cases, the duty is not payable. Even I, in my humble submission, in my respectful submission, even in the current regime also, 100 penalty is not warranted if the entire amount has been paid prior to the issuance of SCM. In fact, section 73 also, if you read 73, 73 also says that if you yourself pay the duty and interest before issuance of SCN, then nothing has to be done and the department will not issue SCN at all. This is what section 73, 73.6 or 7 says very clearly. Two interpretation. I'll skip because time is running short. Credit taken twice. Sested in Hindustan Motors, the appellant availed wrong credit by taking credit twice on the same invoice. Credit availed was reversed with interest on being pointed out, hence no penalty warranted. Credit availed prior to receipt of material. Terminal says, now let me understand a distinction here. If you have taken a credit even before receipt of material, but you have not utilized it, then it is a bona fide, it would be a case of bona fide mistake and no penalty is warranted. But if you have taken a credit without receipt of material, but you have utilized the credit, then in that event, penalty is warranted. Now, in this case, the credit though taken, but not utilized by the SSE, so therefore, the tribunal has held that it is not a case of penalty at all. Credit not deniable on technical breaches, Gujarat High Court. The Gujarat High Court basically, I'll say, sort of a general principle about availing sandbed credit. Now, section 75 and section 126 of CGST Act. Gujarat High Court says, Vimal Enterprises, so and so, entire endeavor of the revenue should be to make this sandwich credit effective scheme effective and not to deny the beneficial provisions on a technical breaches, no penalties imposed. Main ek minute ke liye ruk raha hu. आपने तीन दिन पहले ए डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ रिलायंस इलेक्ट्रिक हैड डिक्लेयर्ड अ लैंडमार्क जजमेंट वेयर द दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ रूल 117 ऑफ द सीएजीएसटी रूल इज ओनली ए डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी. As you all know, Rule 117 says in respect of the transitional credit, that is credit as available on 1-7-2017, period of 3 months was provided and which was subsequently extended from time to time. And finally, the last date was 27 of December 2019. But
the Honorable Division Bench in Reliance Electric has held that the provisions of section, the provision of Rule 117, they are merely a directory, they are not mandatory, and have allowed not only the petitioner who filed a writ petition. In the order, they say anyone who has not taken credit till date, they can take the credit till 30th of June 2020. Why they have allowed 30th June 2020? Because we all know in law of limitation, the period of limitation is 3 years as per Article 137 of Law of Limitation. So therefore, the Honorable Delhi High Court has borrowed the principle of Law of Limitation, Article 137, and has ordered the department that you publicize this judgment in the newspaper, and all the parties who could not avail it, this benefit, they should be allowed to avail the benefit till 30th of June 2020, because they say the scheme of the ITC, this is a beneficial scheme, and the SSE should not be deprived of this beneficial scheme just because you feel that they should have taken the benefit. And in fact, the Delhi High Court has also in a way, I'm saying very respectfully, did not follow the judgment of A.D. Otto. This is of Supreme Court, where the Supreme Court says the rules have to be followed. But the Supreme Court says the rule of 117 is not a mandatory, it is only a directory. So therefore, if the rule is directory, then the mandate, then the words could be ignored, and since the scheme of ITC is a beneficial scheme, the benefit has got to be given. No question of denying, no question of imposing any penalty upon the SSEs. Mere confirmation not enough. Mansuria, there is a Rajasthan High Court. I'll skip, go a little further, because number of further slides are there. Good cause for not filing return with tax. The MP High Court, in the case of Commissioner versus Eastern Air Products, also non-filing of return and non-payment of sale tax, where sufficient cause is shown by the registered dealer for not filing the return with proof of it. Now, take the case of this this period, this Corona COVID period. Now the all companies, they are bleeding. They don't have funds. See the case of airlines. They have to pay the rent of all aircraft lying at the airport. They have to pay salary, a huge salary to the pilots, all staff. They don't have funds. They are unable to pay even the salary. Salary has to be paid first to the employees because it is a question of livelihood. They are unable to pay tax also. So there may be cases, genuine cases, where the party is unable to pay tax. In those cases, in my humble submission, there are a couple of judgments which I have already cited. And this judgment also, we can seek to rely upon to say that even tax has not been paid. So it is not a case of levy or penalty. Now, there is I was just citing 2019 judgment of MP, this is the MP High Court, where the MP High Court says that in case you have declared in GSTR1 that this is the amount of tax payable by you, then no adjudication is required. No SCN is required as per Section 73 or Section 74.
एंड स्ट्रेट अवे द एसएससी इज लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बिकॉज द रीजनिंग गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट इज दैट इट इज योर ओन एडमिशन व्हेन यू योरसेल्फ एडमिट दैट दिस टैक्स इज पेबल सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एडजुडिकेशन एंड द हाई कोर्ट सेज एडजुडिकेशन इज रिक्वायर्ड वेयर पेनल्टी हैज गॉट टू बी एडजुडिकेटेड इंटरेस्ट हैज टू बी एडजुडिकेटेड फॉर सर्टेन पीरियड देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द पीरियड फॉर व्हिच द इंटरेस्ट टू बी पेड देन एडजुडिकेशन इज रिक्वायर्ड बट इफ देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द टैक्स इफ देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पीरियड फॉर व्हिच इंटरेस्ट टू बी पेड देन नो एससी इज नेसेसरी बाय वर्चू ऑफ दिस जजमेंट ऑफ द एमपी हाई कोर्ट ऑफ 2019 21/11/2019 का जजमेंट है। ना अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डिफरेंस बिटवीन 74 एंड 129 ये मेरी अपनी एनालिसिस है आई एम सबमिटिंग फॉर द माय रिस्पेक्टेड मेंबर्स फॉर देयर काइंड कंसिडरेशन आई मे बी रॉन्ग आई मे बी करेक्ट ऑल्सो सेक्शन 74 फर्स्ट रीड एंड 70 वेयर इट अपियर नाउ हियर द वर्ड इज वेयर इट अपियर्स द वर्ड इज अपियर्स मीनिंग देयर बाय the department or proper officer and not sure that the tax has been paid or not paid, short paid or not short paid, credit rightly availed or wrongly availed. So therefore the word is where it appears to the proper officer that any tax so and so. Now let us see 129, what 129 says. Not with any anything contained in this act, where a person transport any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this act or rules made therein. There is no words it appears is appearing in section 129. So there is in 129 could be invoked only when apparently and prima facie, I'll not say prima facie but later little more than prima facie, there is no dispute about the payment of tax. Then 129 can be invoked and 129 cannot be invoked merely because there is some defect in the documents. Ab dekhiye, सेक्शन 129 अभी हम पढ़ लिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, टाइम थोड़ा कम है अपने पास क्योंकि भी स्लाइड्स काफी बाकी हैं अपने पास। नाउ व्हाट इज द पेनल्टी लेवेबल इन 129 इन केस ऑनर ऑफ द गुड्स अप्रोचेस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी टैक्सेबल गुड्स टैक्स पेबल penalty equal to 100% of the tax like section 11AC of central excise. Meaning thereby, penalty equal to 100% when the owner approaches the department. If owner does not approach, owner runs away, then what to be done? Lower of any of the amount. I'm so sorry. Exempt goods in relation to the exempt good where owner comes and approach the department ye taxable hai ye exempt goods hai owner comes and is satisfied sir it is a exempt goods now for example when you are a civil contractor aapka UP mein se Kanpur mein ek aapka construction work chal raha hai wo pura ho gaya आपने कंस्ट्रक्शन मशीनरी है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है अदर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो आपने कानपुर से भेजे से फॉर एग्जांपल आपने दूसरे स्टेट में से इंदौर में भी साइट आपका है जहां आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करना है एडमिटेडली देयर इज अ बोर्ड सर्कुलर विच सेज दैट व्हेन the material handling equipment are being transported from one
one place to another place, though it may be distinct person, but no tax is payable. In respect of the side of the assessee. So if the goods are exempt, if the goods are, for example, if somebody is carrying an atta and on the bag, only the name of manufacturer producer is written. It is not a branded atta, but only name is written, manufactured by so-and-so, so-and-so. Department says branded. I say, where is the question of branding? I am only writing manufactured by ABC Limited. Atta as such is exempt. So if exempt goods is detained, owner comes, in that event it could be released on 2%. The what he has to pay is 2% value of the goods or 25,000. Whichever is less. Now CBEC again issued a circular of 13/4/2018, has prescribed the procedure for interception of conveyance for inspection of goods in movement and detention, release and confiscation of such goods and conveyances. The following is the procedure. मैं मुझे थोड़ा गाइड करेंगे सब, कितना मिनट मेरे लिए और रह रहे हैं? सर लॉकडाउन चल रहा है टाइम का, उसी हिसाब से फिर इसको ये इसको स्किप कर देता हूँ। दो जजमेंट्स हैं बड़े लैंडमार्क, उनको मैं पढ़ देता हूँ फिर, क्योंकि ये सीबीसी का सर्कुलर है जिन्होंने प्रोसीजर लेट डाउन करा है कि 129 में आपने अगर जो इसको गुड्स को या ट्रक को डिटेन करा है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दिस इज लेट डाउन इन दिस सर्कुलर, सो आई स्किप सर्कुलर एंड गो टू द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, बिकॉज नाउ आई थिंक इट इज 15 मिनट्स टू 6। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज, ठीक है जी, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ सर। राइट, फाइन, नो इश्यूज। आप देखिए साहब, नाम में थोड़ा डिस्टिंक्शन है 122 के 129 की। देखिए पहला क्या है, 122 talks of, speaks of taxable person. Now taxable person is defined in section 2 subsection 107, that is registered or unregistered. Now 129, what 129 says, it speaks of a person transporting goods, generally transporter or taxable person carrying the goods in his own vehicle. Second, it requires issuance of an SCN as the penalty is equal to the tax evaded. Tax evaded to be adjudicated. Section 75(4), no adverse order can be passed without giving a hearing. Now, two may. It envisages summary procedure. Now, अगर जो board circular अगर आप देखेंगे, you can see at your leisure time, board circular also says give him a time of a week. आप time देंगे, reply आएगा, आप उसको adjudicate करेंगे. Only thing is a very limited time is available as per the board circular. So therefore, it is called a summary procedure under 129. So the point number two of distinction is it envisages summary procedure since the goods are transported, may be a perishable goods, मतलब goods जैसे milk है, food items हैं, the procedure as prescribed by the board to be followed. जो मैंने आपको 2018 का जो board circular पढ़ा था, that procedure laid down that board circular to be followed. Next. Adjudication by PO to adjudicate the tax, interest and penalty levyable.
Now, since it is a summary procedure, on the face of it, it should show that the goods are carrying with the intent to evade payment of duty. It is not me. Department has to prove in 129 that the goods which you are carrying, they were not duty paid goods and you have the intent to evade tax. Four, in my view, procedure as per section 73 will have to be followed, that is SCN, at any time before expiry of 2 years and 9 months. Now, four, where there is a procedural defect or technical error or venial breach, section 129 cannot be invoked. Now, this is a landmark judgment of this is of post-GST era. Sorry, sir. Thoda sa. Back jana hai. I'm so sorry, sir. Thoda sa. It's okay. Please carry on. Yes, sir. This is the landmark judgment of post-GST era of Kerala High Court of 4-3-2020. In case of a bona fide dispute with regard to the classification between a transporter of the goods and the squad officer, the squad officer may intercept the goods, detain them for the purpose of preparing the relevant papers for effective transmission of the judicial assessing officer, transmission to the judicial assessing officer, and nothing beyond. In the present case, kindly make a note, it is very important, kindly make a note of it. In the present case, it is a case of bona fide miscalculation as to whether goods, that is fruit drink, would be liable to 12% or 28%. The order of duty and penalty is set aside where the department is saying fruit drink is taxable at 28%. Admittedly, fruit drinks is not taxable at 28%. It is taxable only at 18%. So penalty, duty, everything has been set aside by the Kerala High Court. This is again a landmark judgment of once again by the Kerala High Court in the case of Larsen and Toubro. Is judgment worth reading? Judgment worth reading, and I would like to read for the benefit of the London members. Transporter has to fill the information in part A of form GST e-way bill electronically, but because of non-filing of part A, 3 trailers / vehicles were retained. Alleged detention could not have been done under the provision of 129 of the Act in view of the circular of 22/11/2017 issued by the Ministry of Finance. Material handling vehicles, cranes and other items were exempt from the applicability of the IGST in the absence of any supply. If the owner of a crane is transporting his goods from one state to another state for execution of works contract in that state, it could be a case of minor penalty as envisaged under section 122 of the Act. The goods of such nature would not be eligible for any tax or penalty. In this regard, exhibit P5 and P6 replies in response to the impugned notices have been filed, but there is no adjudication even by the commissioner. In this case, parts of tower, machinery and other items were transported to another site under delivery challan, authenticity of which was also not questioned by the department, and undisputedly there was no supply within the meaning of section 7 of the CGST Act. Hence, it is not a case of confiscation nor of imposition of penalty. Then couple of judgment I'm citing of Honorable Allahabad High Court also again of post-GST regime.
Allahabad High Court ke Ikra Roadways citation is held that since issue involved factual determination in SCN while dismissing the writ petition granted relief of goods upon paying tax demanded. Tax to be paid, penalty not paid, goods to be ordered to be released by the Honorable Allahabad High Court. Now one more judgment of Kerala High Court in the case of Samir Matt Industries versus, this is again of 20th of November 2017. GST ordered, goods ordered to be released subject to furnishing bond only. There is no dispute. There was no dispute about the payability of GST. So therefore, in that case, Kerala High Court has held that there is no occasion calling upon the SSE to pay the tax interest or penalty even merely on the basis of bond. The goods have been released. And in the case of board circular, which is of 2018, where it lays on summary procedure, it says that there also the bank guarantee has got to be given. But in this case of Kerala High Court, even bond was furnished. On the basis of bond, the goods were allowed to be released. Then one more judgment of Allahabad High Court of November 17. Absence of transit declaration form is a technical breach while ordering release of goods and vehicle penalties set aside. One more judgment of Kerala High Court in the case of Indus Tower. Indus Tower is again a landmark judgment. 129 can be invoked only when goods are liable to confiscation. We all know when under the Customs Act, under the Central Excise Act, when confiscation can be ordered. In my respectful submission, confiscation can be ordered when prima facie it is proved that the goods have been cleared without payment of excise duty in the case of the central excise cases. Now, there's one more judgment of Gujarat High Court of latest judgment of 23rd of December 2019 in the case of Synergy Ferticamp Private Limited. Again, in this case, the Honorable Gujarat High Court made a distinction between section 129 and 130 and explained as under. Again, a worth reading judgment. Section 129 of the Act talks about detention, seizure, release of goods and conveyance in transit. On the other hand, section 130 talks about confiscation of goods or conveyance and levy of tax, penalty and fine thereof. Although both the section starts with not obstantate clause, because if you kindly see section 129, section 130, both start with notwithstanding anything contained in any other sections of this act. Yet the harmonious reading of two sections, keeping in mind the object and purpose, would indicate that they are independent of each other. Section 130 of the act, which provide for confiscation of the goods or conveyance, is not in any manner dependent or subject to section 129 of the Act. Both sections are mutually exclusive. The phrase intent to evade the payment of duty in section 130 of the Act assumes importance. Now, intent to evade payment of duty is not appearing in 129. This word is appearing only in section 130. So this again a distinction between 129 and 130. When the law requires an intent to evade payment of duty, then it is not merely failure to pay duty, it must be something more. The word evade means defeating the provision of law of paying tax. It is made more stringent by use of word intent. The SSE must deliberately avoid payment of tax, which is payable in accordance with law, to invoke the provision of section 130. However, the element of mens rea cannot be read into section 130 of the Act. For the purpose of issuing a notice
of confiscation under 130 at the stage of detention and seizure of the goods and conveyance, the case has to be such of a nature that on the face of the entire transaction, the authority concerned should be convinced that the contravention was with a definite intent to evade payment of tax. In other words, authorities need to make out a very strong case against the SSE. Mere suspicion may not be sufficient to invoke Section 130 of that straightaway. If the authorities are of the view that the case is one of invoking 130 at the very threshold, then they need to record the reasons for such belief in writing. And such reasons recorded in writing should therefore be looked into by superior authority so that the superior authority can take appropriate decision whether the case is one of straightaway invoking the 130 of the Act as compared to Section 129. Roman 5. Even if the goods or the conveyance is released upon payment of tax and penalty under Section 129 of the Act, later, if the authority finds something incriminating against the owner of the goods in the course of the inquiry, if any, then it may be permissible for them to initiate confiscation proceedings under Section 130 of the Act. 129 and 130 respectively are mutually exclusive, independent of each other. If the amount of tax and penalty as determined in Section 129 that for the purpose of release of the goods and conveyance is not deposited within the statutory time period, then the consequence of the same would be forfeiture of the goods and the vehicle with the government. This does not necessarily imply that the confiscation proceedings can be initiated only in the event of failure on the part of the owner of the goods or the conveyance in depositing the amount toward the tax and liability determined. But in my respectful submission, if he doesn't pay the tax and penalty, straightaway 130 cannot be invoked, as because earlier the High Court says you have to record reasons that there is a definite intent to evade payment of duty. For the purpose of Section 129(6) of the Act, it would be necessary for the department. Now, this is a very, very important observation of the Honorable High Court. 129(6) of the Act, it would be necessary for the department to establish an intention to evade payment of tax. If the tax and penalty as determined in 139 is not deposited within the statutory time, then the goods and the conveyance shall be liable to put to auction, and the sale proceeds shall be deposited with the government. Now, distinction between 73, 74, 120, and 130. In just one or two slides, I'll finish. Provision of 73, 74 respectively that deal with demands and recovery to be made by the assessing officer based on the assessment. Whereas now, 73, 74 arises out of the self-assessment or when the provisional assessment has been finalized in terms of Section 61 of the CGST Act. So, self-assessment 59, finalization of provisional assessment 61. If the department feels that the duty and tax has not been paid, then the proceeding under Section 73, 74 will follow. Now, whereas provision of 129 of the Act deal with detention oblique seizure, while assessing the return, if the assessing officer find that the amount of tax has not been paid or NOC refunded, or where input tax credit has been wrong labeled or utilized for any reason, either with malafide intent or without the same, as the case may be, provision of 73 and 74 of that would be invoked. However, the provision of 129 of the Act deal with a situation where the evasion of
tax/contravention rule is detected during transit, requiring the adoption of summary-like proceedings. Therefore, the provisions operate in different spheres. The goods are not liable to be detained on the ground that the tax paid on the product was less. In such circumstances, the inspecting authority is expected to alert the assessing authority to initiate appropriate proceedings for assessment of any alleged sale, at which dealer will have his opportunity to put forward his plea on law and fact, meaning thereby 129 cannot be invoked. The process of detention of goods cannot be resorted to when there is a bona fide, the dispute is bona fide, especially concerning the exigibility of tax and more particularly rate of that tax. Even in the absence of physical availability of the goods or the conveyance, authority can proceed to pass an order of confiscation and also pass an order of redemption of fine in lieu of confiscation. In other words, even if the goods or conveyance has been released under section 129 of the Act, later on confiscation proceedings are initiated, then even in the absence of goods or the conveyance, the payment of reduction fine in lieu of confiscation can be passed. If you want me to go a little further, I have 4 or 5 slides more. Or should I stop here? Just breeze through it. Pardon me, sir? Can we just breeze through it, fast forward through it? Okay. Confiscation. Since you prepared, we would not like to miss it. Okay. Confiscation. Liability is attached to goods removed without payment of duty, and such goods can be confiscated wherever they are found. Goods can be confiscated from innocent buyer. If there is an innocent buyer of the goods, but it is proved that the goods have not suffered tax, then from the hands of a buyer, goods could be confiscated. This is what the division bench of the Madras High Court says in the case of Sakshi Textile. But penalty cannot be imposed on bona fide purchaser since there is no mens rea. There are two judgments of Punjab High Court in the case of Kamal Kapoor 2007 5 STR 251, Punjab High Court, followed in CC versus Five Star Shipping Company Limited 2012 278 ELT 197 Karnataka DV. So what the Karnataka High Court and the Punjab High Court have held, penalty cannot be imposed on a bona fide purchaser provided he is able to satisfy that I had absolutely no information, no clue that the goods were liable to confiscation. I am perfectly a bona fide purchaser of the goods. 132 quantum of fine upon confiscation being adjudicated of the goods or conveyance, owner is given an option to pay fine in lieu of confiscation, and the fine shall not exceed the market value of the goods less tax charge. Redemption fine reasonable. This is Supreme Court judgment. He said redemption fine which the department is wishing to impose upon the person, that should be reasonable. Is UK Enterprises versus CC 2007 218 Excise Law Times 481. The fine held to be reasonable even if market value could not be determined. Section 15 read with Rule 27 of the CGST Act and rules. Predetermined fine. Supreme Court says if you can't determine the fine, then what principle you have to follow is laid down in these judgments. Supreme Court in CC versus Stoneman Marbles Industries 2011 to SCC 758 has approved the practice of tribunal imposing redemption fine of 20% of CIF value and penalty of 5% of CIF value. It's a thumb rule which Supreme Court has approved it. Kerala High Court in the case of CC versus NOPED Enterprises 2012 to 78 ELT 172 Kerala approved
practice of redemption fine of 10%. Kerala High Court has reduced it to 10% of CI value, penalty of 4% of CI value. Then we have Bombay High Court in the case of Marmo Classics, where if the offense is of repetitive in nature, higher penalty should be imposed. If the fine is paid, the person becomes absolute owner of the goods and can deal with as he wants. That is Mohan Meekins Limited versus CCC, so-and-so. Now, the Constitution Bench judgment of SC in Makbul and so-and-so. Proceedings before revenue authorities are... Now, it's a very landmark judgment. Kindly, each one of the learned professional who is handling the revenue matters must know the ratio of this judgment. The Constitution Bench of Supreme Court of Makbul Hasan Estate IR 1953-325, proceedings before the revenue authorities are different from a proceedings in a criminal court, hence both can continue and are not hit by concept same person cannot be punished twice for the same offense. So with this, thank you so much for hearing me and bearing me also. Any question from the London friend, I am willing to answer it, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया आपकी सारी बातों में. आपने तो पूरा अपना ज्ञान का भंडार ही जो है आपने हमारे साथ शेयर कर लिया. मतलब ये जो स्पेशली आपकी पीपीटी में जो था, जितने सारे क्वेश्चंस थे और जितने सारे आपने जजमेंट शेयर कर रही है, आपने तो सारा इसको शेयर किया हमारे साथ. ये बहुत अच्छा लगा हमें. सो नाइस ऑफ यू. अब हमें ज्वाइन करेंगे आनंद सिंगल जी. आपकी बात सुनते सारे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है सर. ऐसा है, अगर आप मुझे बुलवाते ना जी कि शो कॉज नोटिस को और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को कैसे डिमोलिश करना है, आई वुड लव टू डील विद दोस थिंग्स. अभी तुम्हारी सीरीज चल रही है, बहुत मौके आएंगे. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. अब सर आनंद सिंगल जी और डीके गांधी जी जुड़ चुके हैं. सर बस आपने जो इतने सारे डिटेल दिया, पहले जरा आनंद सिंगल जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर बाद में मैं कुछ कहूंगा, फिर जो प्रश्न आए उनको भी लेंगे हम लोग, प्रश्न जो लोगों के. थैंक यू सर. थैंक यू मित्तल साहब. जी सर. हेलो. जी सर. जी सर. थैंक यू मित्तल साहब, बहुत बहुत नमस्कार. बड़ी खुशी हुई, मतलब जितना हमने सोचा जितना हमने समझा उससे बेहतर, मैं समझता हूँ इससे अधिक हम और उस पर क्या, हम इससे अधिक और क्या पेनल्टी पे सुन सकते हैं. इतना थोड़ा समय, मैं समझता हूँ कि जितना आपने डिटेल्ड हमें सब दिया है और जितना एनलाइटेंड किया आपने विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सबसे बड़ी चीज जो हमें जरूरत थी कि हम लोग जो असेसिंग असेसमेंट के लिहाज से सब देखते हैं, तो पेनल्टी में हमारा अब तक यही सोचना था कि बहुत कुछ ऑटो है जैसे लगता है. उसको 122 को पढ़ने से, 129 को पढ़ने से सब कुछ लगता था 134 है, 73-74 में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है. मैं ये कह सकता हूँ बड़ी डिटेल से, बड़ी खुशी है मुझे कि आपने पुनर्स्थापित किया है सारे वैल्यूज को, सारे जो सिस्टम था, जो जिसे कह सकते हैं जो लॉज है पेनल्टीज के, विच आर दे आर स्टिल मतलब अलाउबल और एप्रिशिएबल है, बशर्ते हम उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर वे से और ढंग से उस चीज को करते हैं, वन थिंग. और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि 129 में एक हम कल बात कर रहे थे ऐसे, विक्रम भाई से मेरी बात हो रही थी कि 129 में ईवे बिल नहीं रहता है, वो रोक करके आपसे पेनल्टी ले लेते हैं जमा कराते ले. अब 122 में 14 में आ जाइए, 14 में भी एक दिया हुआ है कि अगर आपके पास ईवे बिल नहीं है तो वहां पेनल्टी है 10,000. तो मेरा ये कहना है कि हाउ दिस क्वेरी शुड बी सॉल्वड, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्वड. Sir, the point here is we need to refer to the board circulars, number one, and satisfy that
there is no intent to evade payment of tax. E-way bill could be the person, driver may have lost it. It could be he may have lost it. Or there could be some third reason, but there is no intent. Now, for example, EV bill has been uploaded on the site. Then it cannot be alleged against me that I want to evade the payment of duty. So 129 in my respectful submission cannot be invoked in such case where invoice is uploaded, EV bill uploaded, everything is uploaded. So where is the question of intent to evade payment of tax? बिल्कुल ठीक सर. गांधी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं. I have enjoyed a lot. It was a wonderful presentation. It was wonderful. But Mittal sir, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था जो 129 की बात है. हाँ बिल्कुल. My pleasure sir. My pleasure sir. उसमें जो important चीज है which we have been lacking basically वो हो क्या रहा है कि जो principle है वो तो already exist कर रहे हैं. उनका जो हम इम्प्लीकेशन है ये जो उनका यूज करना है उसमें वी आर नॉट हैविंग टू बी वेरी ऑनेस्ट बीइंग ए लॉ बीइंग न्यू वी आर लूजिंग अवर करेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल विच आर ऑलरेडी देयर विच आर सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देयर प्रिंसिपल ऑफ मेंस रेया एवरीथिंग इज देयर बट वी नीड टू इन्वोक इट एंड दैट्स व्हाट यू हैव सेड एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी योर वॉज अ वेरी इलेबोरेट प्रेजेंटेशन. Once again, thank you so much. Very elaborate, sir. Thank you so much. Mittal sir, आप जब बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया था रिलायंस इलेक्ट्रिक की जो रिसेंट जजमेंट आई है. जी सर, हाँ बिल्कुल. अभी उसकी आई थी तो ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट. हाँ जी हाँ जी, फॉर ट्रांसफर के लिए आई है ना. जी सर. तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं नीचे काफी सारे चैट बॉक्स में भी देख रहा था. अब जजमेंट पढ़ने से सारे आंसर मिल जाएंगे उसमें. जजमेंट क्वेरी जो हाँ नहीं सर क्वेरी कुछ है. आई एम विलिंग टू आंसर. नहीं क्वेरी ये है कि जजमेंट तो है दिल्ली हाई कोर्ट का. हाँ जी. तो क्या बाकी स्टेट्स को सब बेनिफिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? मिलेगा सर. इसमें बाकी जहां तक बात है उन्होंने इनको डिपार्टमेंट को बोला अखबार में आप निकालिए. यहाँ बोला वन सच जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वेयर दे टोल्ड डिपार्टमेंट लुक यू पब्लिश इट इन द न्यूज़पेपर लेट ऑल एसएससीज हु आर नॉट पिटिशनर दे गेट द बेनिफिट. सो इट मींस व्हाट और अदरवाइज इफ अदर प्लेसेस दे आर नॉट द बेस्ट थिंग फाइल अ रिट पिटिशन देन साइट दिस जजमेंट. They get the benefit, but in my view, since the High Court has directed that you publish in the newspaper, it means they directed the department you must accept it. Unless department tomorrow challenge before Supreme Court and get a stay, it's a different issue. But I don't think the department will go to the because it's an excellently written judgment. Excellent written judgment. I can give you the WhatsApp, I have the full text of that judgment also. Circulate देखने का मौका मिला WhatsApp पे circulate. नहीं WhatsApp पे circulate WhatsApp पे circulate भी काफी हुई है. लेकिन शक यही है कि department Supreme Court जरूर जाएगा और जब तक इसकी जाने वाली को बात ही नहीं है सर. उसमें क्या है मतलब भाई this is my inherent right. Supreme Court ने number of cases have held that Sandmate is an inherent right. The word used are sandmate is an inherent right of SSC. अरे भाई आप तीन महीने छह महीने क्या लेके बैठे हो आप कि तीन महीने में क्रेडिट लो छह महीने में क्रेडिट लो क्या मौत पड़ जाएगी क्या आपको अगर एक साल बाद दे लिया उसने क्रेडिट? अरे भाई पैसा तो उसी का है, टैक्स उसने पे करा हुआ है. चावला साहब इसी में ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ना जाए इसीलिए हाईकोर्ट ने वो सारे ऑब्जर्वेशन डाले हैं दैट द बेनिफिट शुड बी गिवन टू ऑल कंसर्न. ये उसमें वर्ड है तो आई डू नॉट थिंक कि वो हाई कोर्ट भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसलिए उनको वही स्नब करने के लिए दे हैव गिवन दिस डायरेक्शन. दिस इज माय कुड बी यस इट इज कुड बी डेफिनेटली. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उसकी यूटिलिटी अवेलेबल कराए तो ही बात बनेगी. बात तो यूटिलिटी आने पे है. इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, सबका चैट बॉक्स में आया है इंक्लूडिंग मिस्टर वीके वर्मा. अरे ये जो सिक्योरिटी जो 129 में अमाउंट जमा कराया जाता है रिलीज ऑफ गुड्स के टाइम,
towards tax and penalty. Is it security or is it actually a tax or penalty? नहीं नहीं सर उन्होंने तो जो बोर्ड सर को देंगे उसमें बॉन्ड तक अलाउ करा है उन्होंने they have simply allowed bond also yes तो बॉन्ड तो क्या सिक्योरिटी होगी allowed bond even और in some cases say even this bank guarantee also if somebody is like for example I have cited a case of L&T now in case of L&T admittedly the goods were not tax the goods were not taxable goods तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे हम कैश जमा कर रहे हैं तो वो भी सिक्योरिटी ही मानी जाएगी आई थिंक माय रिस्पेक्टफुल समिट रिलाई अपॉन द बोर्ड सर्कुलर ओके थैंक यू ये इसके अलावा देयर वन मिस्टर के सिंगला फ्रॉम पटियाला ही हैज रेज्ड हिज हैंड एंड ही वांट्स टू से समथिंग सिंगला जी प्लीज हां जी सर थैंक यू सर नमस्कार जी मित्तल साहब नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार सर वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर सच ए वंडरफुल एंड एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन सर माय देयर इज स्मॉल क्वेश्चन ओनली व्हेन द देयर इज ए प्रोविजन इन द एक्ट अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रिगार्डिंग जनरल पेनल्टी देन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सेक्शन 127 पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस व्हाट इज द डिफरेंस Sir, if you see 122, nothing is left out in 122. Right, sir. पता नहीं उन्होंने दुनिया भर के क्यों डाले हुए सेक्शन 122 is covers everything. Nothing is left out. If you see that very exhaustively, it covers each and everything. Right, sir. So मेरे हिसाब से 123-124 की कोई जरूरत नहीं है या 27-28 की कोई जरूरत नहीं है. Okay. Thank you, Jin. Thank you so much. बात और है sir. एक छोटा सा क्वेश्चन और है जैसे रिसेंट एक अमेंडमेंट जो आई है बाय फाइनेंस एक्ट 2020 रिगार्डिंग फॉल्स ट्रांजैक्शन फॉल्स एंट्रीज तो उसमें जैसे आपने 122 रोमन 7 में वो क्लॉज एक पढ़ के सुनाई थी कि टेक्स और यूटिलाइजेस द इनपुट टैक्स तो क्या उस अमेंडमेंट से कोई फर्क पड़ेगा सर सर ऐसा है availed or utilized this is a settled law a number of judgments if you read all judgment fir bhi department availed or settled ki availed or utilized ki baat kar raha hai nihayat main kya word is and main ko gande word istemal galat word istemal nahi karna chahta hu aapne shayad dusra sawal mujhse kara tha ki saab jo invoice hain dekhiye aisa hai us pe bhi there is a judgment of delhi high court in the case of arise india limited Where Delhi High Court says, moment buyer has paid the tax and the duty to the supplier, if supplier has not paid to the government, the SANMET cannot be denied to the buyer. Right? Number one. In 2019, there is a once again judgment of Karnataka High Court also. Karnataka High Court have also held on the same lines. That buyer cannot be denied the SANMET credit, and the Arise India, as I know, they have challenged before High Supreme Court. Stay has not been granted to them, right? And my request to all learned member is, please read Arise India. Is such a illuminating judgment. It says. What a buyer should do in normal circumstances he receives the goods takes the credit under section 16 he makes payment within 90 days he is allowed 90 days time he makes payment in 90 days time he has a proof of payment check encashed what else is required to be done on his side he can't go to the office of supplier and ask him please show me the proof whether you have actually made payment or not he said the delhi high court in the case of arise india says the provision of this nature is wholly arbitrary and is hit by article 14 of the constitution of india this is what delhi high court arise india says followed in karnataka high court in 2019 thank you sir and government didn't get a stay against these two judgments
ओके दैट्स नाइस। एक क्वेश्चन आया है मनु मिश्रा जी का अलीगढ़ से। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं हमें नोटिस मिला है सेक्शन 122 में ओके और पेनल्टी लगा दी सेक्शन 125 में। 122 में हाँ, नोटिस 122 का दिया, पेनल्टी 125 पे लगा दी। वो तो देखिए आप, मैंने क्या सर मैंने क्या कहा था, 75 जरूर पढ़ लें आप। देयर इज अ प्रोविजन हियर कि भैया जो आपने शो कॉज में प्रपोज करा है वही आप एडजुडिकेट कर सकते हैं, सेक्शन 75 से। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ऑल लर्नेड मेंबर्स, काइंडली रीड सेक्शन 75 इज अ एक्सलेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, एक्सलेंट प्रोविजन। अर्लियर वी यूज्ड टू से सर डिपार्टमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड शो कॉज नोटिस, दिस इज व्हाट नाउ हैज बीन हेल्ड इन सेक्शन 75। इनकॉर्पोरेट कर दिया उन्होंने, इनकॉर्पोरेट कर दिया। इट्स मेड इट इजी फॉर अस। यस सर, मेड इट राइट्स हैव बीन दैट्स इट। इसके अलावा गांधी जी आप कुछ कह रहे थे क्या अभी? आई थिंक आई सॉ योर हैंड देयर, इट्स फाइन। देन देयर केदारनाथ कुमार जी है, ये भी आपसे कुछ कह रहे थे। केदारनाथ जी प्लीज। हेलो केदारनाथ जी, आपको माइक अनम्यूट कर दिया। हेलो जी सर जी, कुमार साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत एलिब्रेट था। एक ट्रांजिशनल रिफंड क्या मिल सकता है आईटीसी में अगर सब्सिक्वेंट आउटपुट ना हो तो? अगर सब्सिक्वेंट आउटपुट ना हो 30 जून के बाद क्या वो रिफंड मिल पाएगा? नहीं नहीं, सब्सिक्वेंट आउटपुट से क्या मतलब है आपका, थोड़ा सा काइंडली एलिब्रेट करेंगे? टैक्सेबल कोई अमाउंट ना हो हमारे पास तो उससे क्या, सब क्रेडिट लेना, मैं कल को दोबारा बिजनेस कर सकता हूँ मैं तो? नहीं, क्रेडिट तो मिल जाएगा, मैं रिफंड की बात कर रहा हूँ। इसका आप रिफंड लेना चाहते हैं? देखिए सेक्शन 59 में 57 में क्या हमको रिफंड मिल पाएगा? तो साहब इसको आपको 140 देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 140 देखा उसमें तो उन्होंने टेक ओवर का एडजस्ट करिए। यू कैन केक मैं चेक करके बता दूंगा सर, आपको चेक करके बता दूंगा। आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा सर आपको। वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। ओके राइट सर, ओके थैंक यू चावला साहब, थैंक यू कुमार साहब। मैंने तो आपने आज अपना नाम पूरा लिखा था, केदारनाथ कुमार, मैंने पहचाना नहीं। हम तो आपको हमेशा के एन कुमार जी के नाम से जानते थे, वो आपका वीडियो आया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सिंह साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर। एक अक्षय अग्रवाल जी है, अक्षय अग्रवाल कह रहे हैं there's a clerical mistake at the time of generation of e-way bill. The SSC has generated 5 tax invoices for the same party of the same date and mentioned all the tax invoices in one e-way bill, like document number 125. ये सवाल कई बार घूम रहा है, this question is asked number of times sir, but sir it's a question of satisfying the department कि why this has happened 5 times. Okay, thank you so much. इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं हैंडल कर सकते, फिर भी कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोग हमारी आप सर मुझे मेल भेज दें, मैं मेल पे आंसर दे दूंगा। श्योर, आप मुझे मेल भेज दीजिएगा। अब पहले हम लोग अब अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मांग लेते हैं। हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है info@gmail.com। मैं अभी जरा थोड़ी देर में फ्लैश भी कर दूंगा, तो जो हमारे लोग सुन रहे हैं वो अपनी क्वेरीज इस पे भेज सकते हैं, info@updba@gmail.com, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप इनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र साहब। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आपको फॉर्मल वोटर ऑफ टैक्स थैंक्स दें और मीटिंग को भी क्लोज करने का करें। अरविंद गुप्ता जी प्लीज। अरविंद गुप्ता जी आपका एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। आवाज हमारी मिल रही है? आगे 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 आवाज आ गई आपकी। ठीक है आवाज भी आ गई, हम भी आ गए, दोनों आ गए आवाज के साथ साथ, हम भी आ गए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का
खास तौर से मित्तल साहब का इस बहुत ही एलोबरेट डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, ये दौर ऐसा आया है कि यहाँ कातिल की सजा कोई नहीं और हर सजा उसके लिए है जिसकी खता कोई नहीं। ये हमारी सरकार इसी ढंग से काम कर रही है। आज हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव का विषय था कि मित्तल साहब जैसा स्पीकर आज हम लोगों के बीच में थे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इतने गूढ़ विषय को इतने सरल ढंग से हम लोगों को समझाया। और आज साथियों, हम लोगों की संख्या 650 के आसपास पहुंच गई थी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा टारगेट 1000 तक पहुंचने का है। हम समझते हैं ये मित्तल साहब के कारण आज हमारी संख्या इतनी अधिक रही है। आने वाले समय में हम और भी कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात ये थी कि आज हमारे साथ संजय शर्मा जी दिल्ली, मिस्टर भगत राम कौशल जी फ्रॉम पंजाब और अन्य स्टेट्स के भी लोग बहुत सारे हमारे साथ आज जुटे हुए थे। ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव और खुशी की बात है। हम अपने सभी पूर्व अध्यक्षों आदरणीय श्री वी एन राय साहब, अशोक भैया, शिव कुमार जी के साथ साथ अपने महामंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन सभी लोगों के प्रयास से हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और विक्रम जी का और आनंद सिंघल जी का धन्यवाद बार बार करने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। खासतौर से हमारे बुजुर्ग आज हमारे बीच श्री केएन कुमार साहब, जो इतने दिनों के बाद इतने समय तक हम लोगों के साथ बैठे रहे, ये हम सबों के लिए बड़े ही प्रेरणा की बात है। ये बैठक यही समाप्त की जाती है। फिर परसों हम मिलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से मित्तल साहब को कि पुनः आपका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बैठक यही समाप्त की जाती है।